केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर आई है। गौरतलब है कि देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में हिंदू और हिंदू संगठन आरएसएस को आतंकी संगठन बताया था, जिसको लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता व पार्टी प्रवक्ता बलबीर पुंज ने कहा कि शिंदे ने भारत माता का अपमान किया है और भारत को दुनिया के सामने हंसी का पात्र बनाया है। जिसपे प्रधानमंत्री श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूरी की पूरी यूपीए 2 की सरकार उपस्थित थी। और चूंकि उस बयान के दौरान और बाद में वो मौन रहे, तो ये माना जा सकता है कि जो श्री शिंदे ने कहा उनके साथ साथ उन लोगों की भी कहीं ना कहीं उस बयान को मौन स्वीकृति थी। श्री शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अगर कोषाभार होता, केवल निंदा की होती या आलोचना की होती तो वो कोई चिंता की बात नहीं थी। भारतीय राजनीति में, प्रजातंत्र में विरोधियों को कोसना, उनकी नीतियों की आलोचना करना बड़ा एक स्वाभाविक बात है और हम उसके ऊपर उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं करते जैसी प्रतिक्रिया अभी हो रही है। उसका कारण यह है कि शुद्र राजनीतिक हितों को साधने के लिए श्री शिंदे ने भारत माता का अपमान किया, भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में हंसी का पात्र बनाया। साथ ही उन्होंने कहा कि सुशील कुमार शिंदे के इस बयान से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का पक्ष कमजोर हुआ है और शिंदे भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के गृह मंत्री के रूप में बोल रहे हैं, जिनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इसके अलावा बलबीर पुंज ने कहा कि इस्लाम की सेवा के लिए आतंकवाद करते हैं। इस मौके पर उन्होंने संघ का बचाव करते हुए कहा कि समझौता एक्सप्रेस विस्फोट का मुख्य आरोपी आरिफ कासमानी है, जो कि कराची के लश्करे तायबा का आतंकी है। कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के कैंप्स में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। बाद में जब उनसे पूछा गया कि आपके पास अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों की ये रिपोर्ट थी तो आपने उस पर क्या कार्रवाई की, तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो मीडिया रिपोर्ट पे आधारित। अगर कोई गृह मंत्री इतने महत्वपूर्ण संवेदनशील मामले पर इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से बोलता है कि ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों का कहना है या मीडिया रिपोर्ट्स हैं, और क्या देश का गृह मंत्री इतने बड़े महत्वपूर्ण मामले पे, आतंकवाद जैसे संवेदनशील मामले पर केवल मीडिया रिपोर्ट के आधार पर इतने महत्वपूर्ण मंच से कोई बात कह सकते हैं? और जिसका हमें डर था वो हुआ। अभी तक भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे ये कहता आया था कि आतंकवाद का जन्म जो है, प्रयोजन जो है, वो पाकिस्तान की भूमि से होता है, वो पाकिस्तान की सरकार आईएसआई के इशारे पर जन्म लेता है और वो आतंकवाद भारत को एक्सपोर्ट किया जाता है, उसका पाकिस्तान से भारत में निर्यात किया जाता है। ये बात बार बार हमने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे कही, पाकिस्तान ने हमेशा इनकार किया कि पाकिस्तान की सरकार का कोई आतंकवाद पैदा करने के पीछे कोई हाथ है। पाकिस्तान की सरकार ने इस बात से भी इनकार किया कि आईएसआई का उसके पीछे कोई हाथ है, और पाकिस्तान की सरकार ने यह भी बार बार कहा कि उनकी भूमि पर कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं चलते, जबकि दुनिया जानती है, हम सब जानते हैं, इसके साक्ष्य हैं, प्रमाण है कि पाकिस्तान की भूमि पर टेररिज्म के, आतंकवाद के प्रशिक्षण के कैंप चलते हैं। परंतु उसके बाद भी पाकिस्तान की सरकार ने उसके बाद से निरंतर इनकार किया है। और इधर भारत के गृह मंत्री जब ये बात कहते हैं
कि मुख्य विपक्षी दल के जितने भी कैंप होते हैं उसमें आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। कोई भारतीय जनता पार्टी छोटी पार्टी नहीं है, केंद्र में सत्ता में रही है, कई प्रदेश सरकारें उसके कहने पर चलती हैं, उसके नियंत्रण में है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश का सबसे बड़ा एनजीओ है, सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है, और आप उन पर आरोप लगाते हैं तो आप पाकिस्तान के हाथ में ये हथियार दे देते हैं जिसका उसने उपयोग करना शुरू कर दिया। कि भारत तो कहता था कि पाकिस्तान में आतंकवाद का जन्म होता है, परंतु भारत के गृह मंत्री स्वयं ये मानते हैं कि उसका प्रयोजन, उसकी ट्रेनिंग जो है वो भारत के भारत भूमि पर होती है, भारत पे होती है। साथ ही उन्होंने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के संबंध में कहा कि वह यूपीए सरकार के दबाव में काम कर रही है। कैमरा पर्सन परवेज खान के साथ हृदय धारवाड़ी, एमएसटीवी न्यूज़ भोपाल।